welcome back to my channel. उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मैं गुस्से में थी और मैं अभी भी गुस्से में हूँ, पर ऑफ कोर्स मैंने व्लॉग तो बनाना था यार। तो आज थी मेरी छुट्टी क्योंकि छुट्टी हो गई थी, बारिश हो रही है, बारिश अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ हुई है, मैं वो वाला क्लिप भी आपको शेयर करूँगी, बहुत तेज़ बारिश हुई है। और खाने में आज बन रही है बिरयानी और मैंने मम्मा से ख्वाहिश की है यार कोई समोसे पकोड़े भी बना के खिला दो, मेरा बहुत दिल कर रहा है। और मैं यही बोलूँगी कि मामा लोग ने आपसे जो बात करनी थी मैं तो एग्री नहीं हूँ क्योंकि मैंने तो आप लोगों को सरप्राइज़ देना था क्योंकि मैंने बात ही ऐसी की है। और जब आप लोगों को पता चलेगा मामा लोग ने बोल दिया तो कर लें बात, वैसे मैं तो एग्री नहीं थी क्योंकि मुझे आप लोगों को सरप्राइज़ देना था और मेरे लिए तो वो खुशी की बात है। मामा लोग पता नहीं क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो छोड़ें इस बात को, अगर वो लोग आपसे कोई बात करेंगे तो देख ही जाएगी क्या होगा। पर मैं तो आप लोगों को एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ और खुशखबरी दूंगी, आप सब बहुत खुश होंगे और जब मामा लोग बात करेंगे आपको पता चलेगा कौन गलत है कौन नहीं। मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, मुझे पता है। बाकी छोड़ें इन सब बातों को, मेरे को तो इस बारे में बात ही नहीं करनी है। तो बस अब दोपहर का खाना बन जाए, बिरयानी बन जाए, तो बिरयानी खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस आज हमारे घर पे बनी है बिरयानी और दोपहर का खाना हम अभी खाने लगे हैं। तो फाइनली गाइज मामा बना रही हैं पकोड़े क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से बोल रही थी, तो शुक्र है मामा मुझसे बात तो नहीं करी पर मेरे लिए पकोड़े बनाने लग गई थी। तो पकोड़े क्या ही बने थे, बहुत टेस्टी थे, बहुत मज़े थे, आप लोग देख तो रहे होंगे, बहुत लाजवाब थे। हेलो गाइज कैसे हैं आप सब, और जैसे कि आपको पता है कि मुझे और मामा को आप लोगों से कुछ बात करनी थी डॉली से रिलेटेड, लेकिन कल जो है डॉली ने बहुत ही बदतमीजी की हमसे कि हम लोगों ने व्लॉग में जो है उसका जिक्र किया था उसकी बात का, जो कि वो नहीं बताना चाह रही यार थी। क्या तूने ड्रामेबाजी लगाई, डॉली एक मिनट चुप करेगी। तो गाइस मैं आप लोगों को मामा से भी मिलवाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ डॉली की सच्चाई की उसने हमारा कितना जीना हराम करके रखा हुआ है और हम लोग तो बहुत तंग आ गए हैं। हम लोग दो तीन दिन से उसकी यही बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब डॉली एक मिनट चुप करेगी। तो हम लोग जो है इतने दिनों से बर्दाश्त कर करके हम लोग तंग आ चुके हैं, इसलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे, आप लोग बताना कि हम लोग गलत हैं या ये गलत है। तो चले आए मैं आपको मामा से मिलवाती हूँ। हेलो मामा। हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, सब ठीक ठाक है शुक्र है खुदा का, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं और यकीनन आप लोग भी खैरियत से होंगे। और बात कुछ ऐसी ये है कि इन्होंने कहा YouTube में बताना ही है, YouTube फैमिली को हर चीज़ शेयर हम करते हैं तो ये भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी डॉली का मसला क्या हुआ है। डॉली का प्रॉब्लम ये हुआ है कि डॉली को शादी करनी है। मुझे कहते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, आजकल का दौर ऐसा है, बच्चे कुछ समझते नहीं हैं। इसको कोई लड़का पसंद आ गया तो ये बदतमीजी नहीं करना, कोई लड़का पसंद आ गया इसको तो ये कह रही है कि बहनी से पहले मेरी शादी करो, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप लोगों को ऐसे बता रही हूँ लड़का पसंद आ गया हर किसी नहीं नहीं, नहीं पसंद की शादी करना कोई बुराई नहीं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपने जो इतनी टाइम से तमाशा लगाया ना इतना तमाशा बंद कर लो, तमाशा तो कोई नहीं है, पसंद की शादी करना कोई बुरा नहीं, और मैं यही कह रही हूँ कि पसंद की शादी करना कोई बुराई नहीं है। बहनी की भी पसंद की मैंने की है तो मुझे सब कुछ अच्छा लगा, मैंने कर ली। मसला ये कि जब इसकी शादी अभी करनी है तो मैं इसकी शादी के बाद जाहिर है नंबर वाइज सबकी करूँगी, करनी है मुझे, नहीं होता सबकी नंबर वाइज, नहीं तो मुझे अभी उसके इस अगले साल मुझे इसकी शादी करनी है, तो नंबर वाइज हो मैं प्लीज चुप कर जाओ डॉली, आप लोगों ने तमाशे बना लिए इतनी बड़ी बात तो नहीं, खुश होंगे जब टाइम से शादी होती है तो खुश होता है इंसान, तो मैंने तो आपने ऐसा रॉबिन नहीं को बुला लिया, नहीं हमने रॉबिन को और जैस्मिन को बुलाया है अभी थोड़ी देर में, आपसे तो भाई मामा मैं आपको कह रही हूँ ठीक है मुझे कोई जल्दी नहीं है शादी की, इसकी करा दो, इसने जो हमारे जिंदगी में अजाब डाला मैंने इसकी शादी करा दो। एक तो सबसे बड़ी बात इनके पापा की तबीयत अभी ठीक नहीं है, क्या मतलब मैं उसी ये टेंशन दे के ये कैसे आप लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, चुप हो जा थोड़ी देर के लिए यार। मैं ये कह रही थी कि
आप लोग भी मेरे साथ जरा बात शेयर कीजिएगा कि मैं सही कह रही हूँ। चुप कर जाओगी तुम यार, ऐसे दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मामा मैं इसको बहुत मारूंगी, सबर करो। आप लोग खुशी से बता दीजिए, आप लोग पता नहीं क्या ओवर एक्टिंग। मैं ये कह रही थी कि आप लोगों ने भी मुझे मशवरा देना है, क्या है मुझे इसकी शादी। डॉली ओवर एक्टिंग नहीं कर यार, ये छोटा मसला नहीं है, शादी कोई छोटा मसला नहीं है। कोई मामा ये दुल्हन बन बन के बैठ रही, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो मेरा भी ख्वाब है कि मेरा दुल्हन मेरा घूंघट है। मैं आपको लड़के की तस्वीर भी शेयर कर रही हूं। ऐसे कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं होता क्या पागल? मेरी बात सुन, बात तो कर लेगा यार। मैं यही कह रही हूँ कि आप लोग भी हमें मुझे मशवरा दीजिएगा कि मैं आया इसकी शादी कर दूं या फिर मुझे बहना की पहले करनी चाहिए। और दूसरी बात, अभी थोड़ी देर में आपको दोबारा हम मिलेंगे, मैंने रॉबिन और आपी को बुलाया है, वो भी बात करेंगे इस मसले में और फिर हम इसका हल निकालेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये बच्ची का हाल। बस करो यार, बस करो, ऐसे जूतियों से मारने को दिल चाह रहा है। मैं तो मैं शादी करूंगी तो करूंगी, तो देखती हूँ क्या कर लेते हो हम लोग, क्या कर लोगे? करूंगी शादी। अच्छा मुझे कोई बहस नहीं करनी, आने दो आप ही को। हाँ, आने दो, क्योंकि मैं बहुत दो तीन दिन से मैं इतनी टेंशन में हूँ कि जिसकी इंतहा नहीं। एक तो पापा की तबीयत खराब, देखो अपनी हालत देखो तुम तो, अभी उम्र भी क्या है, उम्र देखो, उम्र इस उम्र में लोगों की शादियाँ हो जाती है, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। अच्छा ठीक है, इसका फैसला हो जाए। आप लोग बहुत खुश होंगे जब आप लोग लड़की को लड़की की पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी, वो यूं मुझे गे लग रहा है वो। ये इसकी हरकतें देखें। डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी, आएंगे मेरे गोरी तो तुम कहीं से नहीं हो। मामा इसकी हरकतें देखो जरा आके, मामा आप देख रही हो इसकी हरकतें? तो चाय हमारी रेडी हो चुकी है, तो अभी हम बस चाय पीने लगे हैं और रॉबिन भाई तो गुस्से में चले गए हैं, क्योंकि मैं वो ब्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि रॉबिन भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और आप ही अभी इधर ही है, तो आप ही से भी मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस आप ही आ चुकी है और आप ही से मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ और आप ही से पूछते हैं कि इसका हल क्या करना है, क्योंकि हमारे तो बस से बाहर हो चुकी है डॉली, तो अब आप ही बताएगी कि उन्होंने क्या डिसीजन लेना है। रॉबिन और जैस्मिन को बुलाया था, तो रॉबिन तो जैसे ही उससे बात की वो गुस्से में ही चला गया, उसने कुछ आगे से बोला नहीं। गुस्सा ही आना था, आप लोग बात ही ऐसी कर रहे हो कि मैं थोड़ा मुझे टाइम दो मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे इस टाइम मेरा दिमाग खराब हो गया, वो तो निकल गया यहाँ से। तो अब आप ही को पूछते हैं जैस्मिन को कि भाई हमने तो बहुत उसको समझाने की कोशिश की, अब ये कुछ बात सिंपल सी, मामा शादी करनी, मैं नहीं कह रही धूमधाम से करो। आप ही बात करती है ना, तो फिर देखते हैं क्या करना है आगे। क्या हरकत है आपकी, सब शादी करते हैं, मैं कह लूंगी कि कौन सा तूफान आ गया। अपनी उम्र देखिए, उम्र क्या सब करते हैं आप ही। इसको इसको मार का भी कोई असर नहीं हो रहा, इतना हमने इसको मारा, इसको मार का भी कोई असर नहीं। अकल है या नहीं यहाँ दिमाग में? अकल है, सबकी शादी होनी और आप ही तेरे को अभी हम लड़का दिखाते हैं, तो लड़के की हालत देखना, ऐसे कोई खुश रहे क्यों, कौन सी आकर है उसकी, तो जान दे, उसने पता नहीं कब करके मेरी जान छोड़नी है, मैं तो जाऊँ। डॉली कुछ समझ नहीं,
तो चलें गाइस आज का व्लॉग में, हाँ तो चलें गाइस आज का व्लॉग में एंड करती हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, अब हम कल देखते हैं क्या होता है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाय गाइस।